फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले टिक्की बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे कड़े में एक चम्मच तेल डाला है, उसमें राई डाली है, जीरा डालूंगी इसमें। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, प्याज और मैंने यहाँ पे देखिए हरे मटर को चॉपर में इस तरह से क्रश कर लिया है, और यहाँ पे गाजर को भी थोड़ा क्रश कर लिया है, तो मैं इसमें डाल दूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे एक साबुत धनिया और मैंने यहाँ पे बड़ीशप को थोड़ा सा क्रश कर लिया, ये भी इसमें डाल दूंगी। बाद में हम सब सब्जियों को डाल देंगे इसमें। एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दी, धनिया पाउडर डाल देंगे, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, मैश आलू, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। पके हुए चावल को मैंने मिक्सर में से निकाला, ये भी डाल देंगे। ठंडा होने पर टिक्की बना लेंगे। इसी तरह हम आलू टिक्की शैलो फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम मेयोनीज लगाएंगे, आलू टिक्की रखेंगे, यहाँ पे चीज रखेंगे एक एक स्लाइस, टमाटर रखेंगे, अनियन रखेंगे, इसमें कैबेज डालेंगे, इसके ऊपर ब्लैक पेपर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बर्गर बनके तैयार है। बहुत ही हेल्दी है और खाने में टेस्टी है, जरूर इसे ट्राई कीजिए।